ऑटो आ जाने ना जो अज के दिन वेखना चाहते सी पर नहीं वेख सके जहाने फानी तो पूछ कर गए तू साडे ते अपनी दया विखाली है अपना रहम विखालिया है कि असी अज का दिन वेख सके हाँ और तेरी इबादत में शरीक हो सके हाँ। खुदावंद जी जो इबादत तेरे खादिम दे द्वारा तेरे दास शरीक होने का सानू फजल बख्शिया बहुत सारे लोग ने जो आज भी तेनू उन्होंने कबूल नहीं किया खुदावंद उन्होंने वास्ते सुभागे पेश कर सक बोलो।
पूरी शब्द बड़े बड़े बोले देखो बंदे के लिए जलन दूसरे की जो बंदे मिठे चौल बात लेने होने ना चौल पाओ काका ठीक है भंडारा सन 1970 तो लैके अज दिन तक 52 भंडारे हो गए। ये जो भंडारे मैं करता हाँ ये गुरुआं पीरां फकीरां ऋषियां मुनियां तपियां और अपने मम्मी डैडी और अपनी धर्मपत्नी संपूर्ण कौर की याद में मैं करता हाँ और सदा जद तक मैं सही सलामत हाँ तद तक ये भंडारे चलते रहने। उस तो बाद मेरे सेवक है उन्होंने अगे मर्जी है चलान ना चलान। मैं संदेश लोगों को यह देना चाहना है कि अपने माता पिता की जो जन्म देता है उन्होंने सेवा करनी चाहिए है उन्होंने याद रखना चाहिए है कि जिस तरह मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं अपने मम्मी डैडी के जींदिया ये भंडारे शुरू किए अपने गुरु के जींदिया भी यो भंडारे मैं शुरू किए तो अज भी मैं कर रहा। और मैं लोगों को संदेश देना चाहता हाँ अजकल के नौजवानों छोटे बच्चों कि अपने माता पिता की पूजा करो गुरद्वारे मसीत मंदर चर्चा में तुम वो चीज़ नहीं मिलनी जो तुम लभते फिरते उत्थे जाके तुम कि कुछ कई कुछ करते जे लेकिन अपने माँ प्यो की गल नहीं सुनते मनते नहीं जवाब सवाल करते हैं। ये बहुत ज़्यादा घटिया सोच है क्योंकि जिन्होंने अगे अपने अपने बच्चों वाल देखो कि जेडे तु जमे ने उन्होंने कि प्यार देंगे हो उन्हें भी माँ प्यो ने भी तू इस तरह ही पालिया तो तू वे किया पढ़ाया लिखाया तो अज उन्होंने कदर ना करो। अज मैं बहुत सारे नैट से टीवी से चैनल देखता बड़े बड़े लैंडलॉर्ड ये नहीं गरीबों की गल कर रहे हैं गरीब तो गरीब ही है बड़े बड़े शाहूकार अमीर लोग करोड़ों पति तो वह की करते सरावां विच अपने माता पिता को छड़ जाते हैं जा हॉस्पिटल च एडमिट कर जाते हैं तो मुड़ के उन्हां दी खबर नहीं लेंदे। ये बड़े दुख भरी गल है कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं धार्मिक स्थल के नाल जुड़िया होया और मैं धार्मिक स्थल का प्रेजिडेंट है और मैं बहुत सारिया चीज़ा देखता हाँ साढ़े प्रधान साहब भी बैठे ने साढ़े उच्च अपने बैठे ने सोई साहब भी ठीक है मेरी बेटी भी बैठी है लागे और जो आहो जो गल् दुख भरी देखी दियाँ तो रोना आता है दुख हों बहुत भागा वाले हाँ सानू ये जो मौका मिले इतने भंडारे के आके लंगर छकन का प्रशादा छकन का यह बड़े ही करमा भागा वाले ये सुभाग्य मिलता हर बंदे के करमा यह प्रसाद नहीं होता क्योंकि बाबा जी हर साल भंडारा कराते हैं ऋषियां मुनियां तपस्या की याद के अपने माता पिता की और अपने धर्म पत्नी याद जोड़े विछोड़ा पा गए संसार के याद के भंडारा कराते हैं। ये पंजाब की एक बड़ी वड्डी एक लंगर की प्रथा वा ये लंगर भंडारे जेडे आपस भाईचारे को वधाउंदे ने। मैं समझदा कि सानू भी सारयां नू मिल के आपो अपने इलाकों के भी हर साल के साल लंगर भंडारे जेडे कराने चाहिए। संजीव कुमार मिट्टू के घर असी आए हाँ मैं देखा इतना वातावरण बहुत एक धार्मिक वातावरण से वो साड़िया जो माता पिता जोड़े बिछड़ गए उन्होंने जी पत्नी है उन्होंने याद भी ये प्रो जो भंडारा करते हैं ये देख के बड़ा ही मन प्रभावित होया बड़ा मन खुश होया सत्संग भी होया प्रसन्न भी होए दस्या उन्होंने किस्सा असी परमात्मा की आराधना करनी है बड़ा मन खुश होया। मैं सारियां इस समय ते आके प्रार्थना करना कि जो भी सानू उन्होंने उपदेश दिता जिहड़े आए सी बाहरों बुलाया गया सी उन्हें चलो तो परमात्मा आराधना करो। असीं हिमाचल प्रदेश से आए हैं
और जो बाबा संजीव कुमार मट्टू है ये हमारे गुरु जी हैं और हम इनके पास बहुत दिनों से आते जाते हैं। सन 1992-93 थे तो उस टाइम ते जानते असी इन्हों तो जड़ी उन्हों की धर्म पत्नी थी सुन पूर्ण कौर